से स्वागत है आपका अड्डा 247 में। मैं वत्सला मिश्रा लेकर आई हूँ केमिस्ट्री क्लास 12th की। सो बेसिकली आज हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। गेस कीजिए कौन से वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या वो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं? नहीं। क्या वो एडिशनल क्वेश्चंस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप और हम आज डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस, जो कि हर एक एग्जामिनर की, हर एक आप बोलिए स्कॉलर की सलाह होती है आप सबको, हर स्टूडेंट को, कि एग्जाम्स में जाने से पहले हमको उन क्वेश्चंस को जरूर और जरूर से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और एक बार उसे रिवाइज भी करना चाहिए। तो अगर हमारी प्रैक्टिस आज से ही शुरू हो जाती है, हर एक चैप्टर जब खत्म होता है हम उसके बाद से ही अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टडी करें या उसको डिस्कस करें या उसको सॉल्व करें, तो उससे हमें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। क्योंकि पहली बात हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिमेनिंग है या हम नहीं पढ़ पाए हैं उसे, या अगर कोई चीज पढ़ भी ली है तो पता चल जाता, आइडिया लग जाता है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी पे। मैंने ये नहीं बोला कि आप कोई टॉपिक छोड़ देना, नहीं, इनमें तो कुछ छोड़ने लायक टॉपिक है ही नहीं, सारा कुछ तो आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। आप जाके आज जरूर से क्वेश्चन पेपर देखना और आपको खुद भी लगेगा कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें चाहे तो 26वें नंबर पे क्वेश्चन आ रहा है, 12वें नंबर पे आ रहा है, 11वें नंबर पे आ रहा है, 15वें नंबर पे, मतलब कहीं ना कहीं इसका एक क्वेश्चन जरूर पुटअप्स के जैसे लगा दिया जाता है, जरूर देख लेना उसे। कभी वो 3 मार्कर का आ रहा है, कभी वो 5 मार्कर का आ रहा है, इवन कभी कभी तो ऐसा होता है कि और में भी वही क्वेश्चन दिखा होता है। तो भाई अगर हर क्वेश्चन करना जरूरी है और उसमें एक क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से है और दूसरा भी सॉलिड स्टेट से, तो क्या आपके पास कौन सा ऐसा महामूल मंत्र आ जाएगा कि आप उनमें से कोई एक छोड़ दोगे? और छोड़ दोगे तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो इसके लिए आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन और देखते हैं कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 2018 का मेन एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। हम कंपार्टमेंट के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये मेंस एग्जाम का क्वेश्चन है। ये 12वां क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है जिसको हम एक्स के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, उसका एटॉमिक मास दिया है 40 ग्राम पर मोल। उसकी स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, वो FCC स्ट्रक्चर लिए हुए है, ओके। यूनिट सेल एज की बात करें, यानी कि इनकी एज लेंथ की बात करें, जो कि 400 पिकोमीटर दी हुई है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, है ना। द नेक्स्ट वन इज इसकी हमको डेंसिटी निकालनी है। अब कुछ दिमाग में फॉर्मूला आ रहा है, मैं फॉर्मूला तो लिख दे रही हूं, डी इज इक्वल टू ए क्यूब, सही जा रहा है? नहीं, गलत है, जानबूझ के गलत लिखा जा रहा है ना, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब याद आया कि हमने डेंसिटी में ऑलरेडी कवर कर लिया है इसको, पैकिंग इफिशियंसी के बाद आपने डेंसिटी ही तो पढ़ी थी, मैं उसको भी बता दूं क्योंकि एक सीक्वेंस में आप वीडियोस देखोगे तो आपको फिर याद आ जाएगा। अच्छा, आगे बोलते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो कि 4 ग्राम में है ऑफ एक्स, तो वो भी निकालनी है। तो पहले हम डेंसिटी निकालेंगे, उसके बाद ये आएगा, है ना। एनए बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा दिया रहेगा, बट उसके अलावा आपको याद भी रखना पड़ेगा इसको, दैट इज 6.022 × 10²³ मोल इनवर्स। वो जो इतना बड़ा सा गोला दिखाई दे रहा है वो इंटू समझ लो, क्योंकि हर जगह इनटू ही आएगा आपका, ठीक है। आंसर मैंने दे दिया, बट उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो बोर्ड पे आते हैं, तो बोर्ड प्लीज ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा आप, इसी फॉर्मूले के हिसाब से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए हम पहले सारी चीजें पॉइंट आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मूला मैं लिखती हूं, डी इज इक्वल टू जेड एम अपॉन ए क्यूब इनटू एन ए, ठीक है, बहुत ऊपर हो गया हो तो ठीक है, मैं नीचे कर देती हूँ उसको। सो दैट इज डी इज इक्वल टू जेड एम ए क्यूब एन ए। अब हर चीज आपको प्लेस करनी है, तो जब आप प्लेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि डेंसिटी निकल कैसे सकती है। मैंने बोला कि ये FCC स्ट्रक्चर है, तो अगर ये FCC स्ट्रक्चर है तो जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 लिख दी मैंने। इसके एम की बात करें तो सीधे सीधे वो 40 दिखा हुआ था, याद आया कुछ, है ना, साइड में लिखा हुआ था। एंड द नेक्स्ट वन इज ए क्यूब जो कि 4 × 10²⁸ का क्यूब हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि वो पिकोमीटर में था, है ना, और हमको इसका कन्वर्जन चाहिए सेंटीमीटर में। 6.022 × 10⁻⁴
23 ये तो याद ही होगा, ये एन ए होता है. अब इसको सॉल्व कर डालिए. जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप आंसर क्या पाते हैं इसका, 4.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होता है इनका आंसर. अब बात करते हैं, आपसे पूछा गया है कि यूनिट सेल्स के नंबर कितने हैं, तो इतना आप लगा लोगे आंसर, आपने अपनी डेंसिटी निकाल ली. ठीक है, सो अब आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल्स चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, या एटम्स. तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स डालते हो उसके बाद डिवाइड हो जाता है फोर का. फोर का डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं सोचिए, जल्दी जल्दी से फटाफट. एफसीसी स्ट्रक्चर है भाई, इसीलिए फोर आ जा रहा है. अगर हम बीसीसी स्ट्रक्चर में होते तो क्या होता, टू आ जाता. सिंपल है. अगर हम इसका फॉर्मूला देखें, इस टोटल अपने नंबर ऑफ एटम्स का, तो वो होता है डब्ल्यू अपॉन एम इंटू एन ए, और अपॉन आपका जो भी फोर दिया हुआ है. अब इससे आप सॉल्व कर लो. अगर हम इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपका सॉल्व हो जाता है. और नंबर ऑफ जो यूनिट सेल्स आते हैं भाई, 4 अपॉन 40 तो मानोगे इसको, इंटू एन ए 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन 4, और इसका आंसर अगर हम बोले तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22. सारी चीजें ऐसे ही लिख दो, इसको रख दो 4, इसको रख दो 40, ठीक, अब सॉल्व हो जाएगा. इसका आंसर अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा, और देख लेना कि मैंने जो आंसर दिया था वो सही था कि नहीं. दैट इज योर आंसर, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 22. कैसे आया पता चल गया, आपको डेंसिटी आपकी निकालनी, क्योंकि इसमें लिखा है कैलकुलेट द डेंसिटी. मैंने शायद डेंसिटी आंसर में नहीं डाला है, बट वो डेंसिटी आप नोट डाउन कर लो, 4.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. सो अभी के लिए यही क्वेश्चन आप जल्दी से रिवाइज कर लो. इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, और प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है. एक चीज पर शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा, ये एक 3 मार्कर क्वेश्चन है. पता है कैसे, इसके 3 मार्कर को भी हम बांट सकते हैं. एक तो ये यूनिट लेता है, दूसरा इसका ये जो फॉर्मूला है वो एक एक नंबर का, सोचिए पूरा पूरा डिफ्रेंसिएशन है. अगर मैं इसको लिखूं तो यहां पे ये हाफ मार्क का है, ये भी हाफ मार्क का है. अगर आप इसके आंसर की बात करो तो ये भी हाफ मार्क का है, तो सोचिए 1.5 नंबर तो इसके यहीं से हो गए डेंसिटी से. ठीक है, द नेक्स्ट वन अगर हम इस फॉर्मूले को लिखें तो ये भी हाफ मार्क का है. इसको सॉल्व करने का तरीका हाफ मार्क का, इसका आंसर हाफ मार्क का. 3 ही नंबर का तो क्वेश्चन जा रहा है ना, 1.5 + 1.5 3. और अगर कोई भी स्टेप सोचिए मिस हो गया तो आधा एक नंबर आपका आराम से चला जाता है. तो इसलिए आंसर पूरा लिखिए, यूनिट्स पूरी लिखिए, और साथ ही उसको सॉल्व भी करिए. ऐसा नहीं है आपको आंसर समझ लीजिए, कभी कभी तुक्का लग जाता है, जो चीज हम पढ़े होते हैं वही क्वेश्चन पेपर में आ जाती है. तो ऐसा नहीं कि आप उसे स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिए, उसके भी मार्क्स फिक्स्ड होते हैं. ओके, इसीलिए मैंने आपको बाइफर्केशन भी बता दी कि इतने इतने मार्कर क्वेश्चन है, तो प्लीज उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा. और हम आगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे. सो थैंक यू.